ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसलोकेशन डेंसिटीज के बारे में। डिसलोकेशन डेंसिटीज, जो डिसलोकेशन डेंसिटी है या डेंसिटी ऑफ डिसलोकेशन है, इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ डिसलोकेशन लाइंस जो कि इंटरसेक्ट करते हैं यूनिट एरिया में, यानी पर यूनिट एरिया कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, किसी क्रिस्टल के अंदर। कहाँ पर? किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। डेंसिटी रेंज जो है वो होती है आपकी 10^2 डिसलोकेशन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जर्मेनियम में सबसे बेस्ट से लेकर के सिलिकन में 10^11 और 10^12, ठीक है, हैविली डिफॉर्म मेटल क्रिस्टल्स में। जो मेथड होते हैं डेंसिटी एस्टिमेट करने के लिए, कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे आपके हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फिर है आपका एक्सरे ट्रांसमिशन, देन एच पिट, देन एक्सरे रिफ्लेक्शन। ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे कि डेंसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। एक्चुअल डिसलोकेशन जो होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्रिस्टल्स में, कास्ट या एनील्ड क्रिस्टल में, एनील्ड यानी जिनको धीरे धीरे कूल किया जाता है, ऐसे क्रिस्टल में जो होता है वो करस्पॉन्ड करता है, या तो खूब सारे इकट्ठा होंगे लो एंगल ग्रेन बाउंड्री, या फिर 3D नेटवर्क ऑफ डिसलोकेशन। और 3D नेटवर्क ऑफ डिसलोकेशन जो लैटिस वैकेंसीज होती हैं, जो प्रेसिपिटेट होती है अलॉन्ग एग्जिस्टिंग एज डिसलोकेशन में। एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो लैटिस वैकेंसीज प्रेसिपिटेट होती है, अगर कहीं पर एज डिसलोकेशन है वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जा रही है, तो फिर एक पोर्शन जो है एक्स्ट्रा एटम के एक्स्ट्रा हाफ प्लेन का एक पोर्शन वो खा लेती है या हटा लेती है, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डिसलोकेशन है वो क्लाइम करने लगता है, क्लाइम करने लगता है मतलब वो मूव करने लगता है स्लिप डायरेक्शन के राइट एंगल में, ठीक है। जो भी आपका स्लिप डायरेक्शन होगा उसके राइट एंगल में ये मूव करने लग जाता है। अगर कोई भी डिसलोकेशन प्रेजेंट नहीं होता है तो क्रिस्टल जो है वो सुपर सैचुरेट हो जाएगा विथ लैटिस वैकेंसीज, और उनका जो प्रेसिपिटेशन होगा वो वैकेंसी प्लेट्स में क्रिएट होगा, और उसके बाद वो प्लेट्स कोलैप्स हो जाएंगे और डिसलोकेशन रिंग्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो डिसलोकेशन डेंसिटीज़ के बारे में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।